हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। हिंदी माध्यम के जो भी स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ के कक्षा 12 के जो स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे, ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है। बाकी इसी इकोनॉमिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बी कॉम में भी काम आता है, एम कॉम में भी काम आता है, कोई भी अकाउंटेंट परीक्षा होती है वहाँ भी काम आता है। इसको थोड़ा से आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे, आपको जो इस बोर्ड पर मैं लिखूंगा उसको अपनी कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ लाइन से पूरी वीडियो देखिए, नोट्स जरूर बनाइए, दावा करते हैं समझ में भी आएगा और आप अच्छी तरह से पढ़ भी लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसको आप जानते ही हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है, इस चीज को फिर फोकस करना। हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं। क्या होते हैं? सीमित संसाधन होते हैं। सीमित संसाधन का मतलब क्या होता है? सीमित का मतलब होता है हमारे पास कम चीजें, कम पैसा है या कम जमीन है। संसाधन का मतलब, सीमित का मतलब होता है कम, संसाधन का मतलब होता है साधन। उत्पत्ति के साधन क्या है? कोई भी सामान हमें पैदा करना है तो हमें क्या चाहिए? भूमि चाहिए, लेबर चाहिए, पूंजी चाहिए। याद रखना, अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, इन्हीं सीमित संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके संतुष्टि प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? संतुष्टि प्रदान की जाती है। अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, इन्हीं सीमित संसाधनों का मतलब होता है जैसे हम गेहूं पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं या कोई वस्तु पैदा करते हैं, मार्कर बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? भूमि। भूमि का मतलब खेती करेंगे तब वो जमीन चाहिए, कोई सामान बनेगा तब भी जमीन चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूंजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रम होनी चाहिए। इन्हीं सब चीजों के सम्मिश्रण से ही कोई सामान बनाया जाता है, किसी भी सामान का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो, बहुत लोगों के पास जमीन आपको मिलेगी दिखोगी, बहुत लोगों के पास पूंजी होगी, बहुत लोगों के पास श्रम होगा। जो लोग इसका अधिकतम प्रयोग कर लेते हैं, अनुकूलतम प्रयोग कर लेते हैं, वो लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, उन लोगों को ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इसी चीज को इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। बाकी किताब में कहा गया है अर्थशास्त्र वह विषय वस्तु है, अर्थशास्त्र वह विषय वस्तु है जो सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से संबंधित है। मतलब कि हमारे पास सीमित साधन होते हैं, उनका विवेकशील प्रबंधन, मैंने क्या कहा, अधिकतम प्रयोग कब किया जाएगा? अधिकतम प्रयोग का मतलब होता है अनुकूलतम। अनुकूलतम का मतलब होता है भाई सबके पास दिमाग है, सबके पास दो हाथ है, दो नाक है, दो पैर है, बस सबके पास है ना। तो कुछ लोग इसी चीज का प्रयोग करके पढ़ लिख के बहुत आगे निकल जाते हैं। बहुत लोगों के पास खेती है, खेती में धान भी लगा देते हैं, खेती के माध्यम से ही अपना गेहूं भी पैदा कर लेते हैं, सब्जी भी पैदा कर लेते हैं। उस चीज को, बहुत लोगों के पास पैसा है, उसको सही जगह लगा करके उसको डबल कर लेते हैं, ट्रिपल कर लेते हैं, है ना, 100 गुना आगे बढ़ा लेते हैं। तो क्या बोला गया हमारे द्वारा, अर्थशास्त्र में उन चीजों का अध्ययन किया जाता है, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, मेन यही होता है। इन सब चीजों का अनुकूलतम प्रयोग करके हम अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। अधिकतम उत्पादन करने के बाद हमें क्या मिलेगी? संतुष्टि प्रदान हो जाएगी। किताब में पढ़ेंगे तो ही मिलेगा आपको। अर्थशास्त्र वह विषय वस्तु है जो सीमित संसाधनों के विपरीत पूर्ण प्रबंधन से है। मतलब हमारे पास सीमित संसाधन होंगे, उनका हम क्या करेंगे? विवेकपूर्ण प्रबंधन कर लेंगे। प्रबंधन का मतलब अपने विवेक से, अपने दिमाग से उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें यही सब चीजें आपको हैं। तो मुख्य तौर पर आपसे जो जो पेपर में पूछा जाता है, उन प्रश्नों को हम मोटिफाई करके, उन प्रश्नों को हम आपको बता रहे हैं। एक एक चीज मैं जो बताऊंगा वो डंके की चोट पर नंबर एक चीज होगी, और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से जानकारी होगी। पेपर में आपके अर्थशास्त्र में, जो आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, पेपर में पूछता है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ध्यान दीजिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आपको जानकारी के लिए बता।
ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में पूछता है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। जानकारी के लिए आपको बता दें, व्यष्टि का मतलब होता है, कभी कभी पूछ लेता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, किसे कहते हैं, आशय क्या है, तो आपको क्या लिखना है पूरी चीज हम बता दे रहे हैं। ठीक है, लिखना है नीले कलर से लिखना है, हमारे पास कई कलर की मार्कर हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का वह भाग है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का वह भाग है। देखो थोड़ा साफ कम दिख रहा होगा, इंक अभी इसमें डालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग, छोटी छोटी का मतलब होता है छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। छोटी छोटी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे एक फर्म हो गया। हेलो सर जी, ध्यान दीजिएगा, एक फर्म, एक व्यक्ति, एक परिवार, ठीक है, एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, समष्टिगत व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा छोटा। पेपर में पूछेगा आशय, तो आपको केवल इतना ही लिखना है। परिभाषा में क्या लिखना है, परिभाषा में क्या लिखना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति, एक इकाई या एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है, एक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में अपने आप से लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को देखते रहिएगा।